इस समय आम के पकने का सीजन चल रहा है और कई लोग हैं जो अपने घरों पर पेड़ लगा रखे हैं और उस आम को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर समस्याएं ये आती हैं कि जब भी आप लोग आम तोड़ने जाते हैं तो तोड़ने के पश्चात या उसे हिलाने के पश्चात वह नीचे गिर पड़ता है। ऐसे में अगर वह पका हुआ है तो वह फूट जाता है और अगर कच्चा है तब भी उसमें चोट लग जाती है। तो जब आप लोग उसे पकाने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बाद में वह जब पक करके निकलता है तो सड़ा हुआ वहाँ पर रहता है। यह समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इसके लिए आज हम एक यंत्र यहाँ पर आप लोगों को बना करके दिखाएंगे और उसका प्रयोग भी करेंगे कि यह किस तरीके से सहयोगी हो सकता है आपके फलों को तोड़ने के लिए। तो आप लोगों को हम बता दें कि यह जो अटैचमेंट या यंत्र आप जो भी बनाने जा रहे हैं या इसका आप लोग प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ आम की फसल पे प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग आम पे प्रयोग कर सकते हैं, आंवले पे प्रयोग कर सकते हैं और अमरूद पे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऐसे जो भी फल हैं जो ऊपर हैं और आप उनको जो आपका यंत्र बनाया गया है उसमें आसानी से आ सकते हैं, तो उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से तोड़ सकते हैं। और इस यंत्र की सहायता से अगर आप लोग तोड़ते हैं तो सबसे बेहतर आपका ये रहता है कि जो आपके फल हैं यह सुरक्षित रहते हैं, और सुरक्षित रहने की वजह से अगर वह पके हुए भी हैं तो ऐसी परिस्थिति में वह आप लोग अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। वहीं पर अगर आपके फल कच्चे हैं और आप चाहते हैं कि उसे तोड़ करके फिर पकाएं और वह सड़ा हुआ ना रहे, तब की भी परिस्थिति में आप लोगों के लिए यह फायदा पहुंचाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में आप हमेशा फायदे में रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको एक पाइप चाहिए होता है जो कि आपका लगभग 1.5 से 2.75 फीट का होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा लंबा कर देते हैं तो ऐसे में भारी वजन हो जाएगा जो कि आपको चलाने में समस्या आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये देना है कि अगर आप लोग बड़ी साइज के आम तोड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को जो पाइप है पीवीसी वह 6 इंच का लेना पड़ेगा और उसकी जो लंबाई है वह सेम रहेगी। और अगर आपके आम की साइज या अमरूद की साइज छोटी है तो ऐसे में आप पीवीसी 4 इंच के पाइप या 5 इंच के पाइप प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो पाइप की जो आपकी मोटाई होती है उसे आप निर्धारित कर सकते हैं कि आप लोगों को किस फल के लिए प्रयोग करना है। और आपको और भी कुछ नहीं लेना होता है, जस्ट आपको लेना होता है एक बंद सॉकेट या एंड कैप या जो पीवीसी कैप आता है। ये दो ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमें इसे बनाने के लिए। तो जो हम पाइप ले रखे हैं उसे हमें पहले इस तरीके से काट लेना होता है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जब लगभग वी शेप में आप लोगों को काटना होता है। और उसकी जो साइज होती है यह डिपेंड करती है कि आप कितने बड़े फलों को तोड़ने जा रहे हैं और आपकी जो पीवीसी पाइप है वो कैसी है, कितनी चौड़ी है, तो उसी आधार पे आप लोग इसको काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आप बंद सॉकेट लिए हैं या जो कैप लिए हैं उसे आप नीचे की तरफ लगा देंगे। ध्यान रखिए इसे चिपकाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपका यह जो तैयार हो रहा है यंत्र यह है लगभग 1 से 1.5 किलो या 2 किलो आम जो है तोड़ने के लिए या फल तोड़ने के लिए बेहद उपयोगी होता है। इससे ज़्यादा लोड आप थाम भी नहीं पाएंगे और सही भी नहीं होगा इससे जो बड़ी पाइप लगाने के लिए। तो आप इस तरीके से इसमें जो है कैप को लगा दीजिए और उसके बाद यहाँ पर वी शेप में काट दीजिए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसमें एक नई चीज़ लगाए हुए हैं। जैसे कई बार ये होता है कि हम ये सोचे कि हमें हर फल के लिए रहे यह उपयोगी, तो हम यहाँ पर जो एक चद्दर आती है लोहे की उसको काट करके फ्लेक्सिबल बना करके उसमें धार लगा दिए हैं, जिसकी वजह से अगर किसी फल की टहनी बहुत मजबूत है ऐसे परिस्थिति में भी यह इसे आसानी से तोड़ करके इसमें रख लेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर लगा सकते हैं और लगाने के पश्चात आपका जो ये यंत्र है ये तैयार हो जाता है बन करके। अब हमें करना ये है कि इसे हमें किसी एक ऐसे डंडे में लगा देना होता है जिसकी सहायता से हम इसे ऊपर ले जा करके फलों की तुड़ाई कर सकें। तो यह डंडे की जो लंबाई है यह आपके पेड़ की लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी। अगर आपका पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो ऐसे में 20, 25, 30 या 40 फीट तक के भी डंडे आपको लगाने पड़ सकते हैं। और वहीं पर अगर आपके पेड़ की लंबाई काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है तो ऐसे में आप लोगों को
10-15 फीट का काफ़ी रहेगा। तो आप अपने पेड़ के हिसाब से डंडे की लंबाई को ले सकते हैं और उसे डंडे के साथ अटैच कर दीजिए, कस के बांध दीजिए। और जब आप कस के बांध देते हैं तो उसके पश्चात यह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर अपने फल जो हैं उनकी तोड़ाई करते हैं और देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस समय आम का सीजन है और हमारा जो दशहरी आम है यह कुछ पकने लगे हैं और कुछ अभी अर्ध पकी अवस्था में है, तो जस्ट हम इन्हें तोड़ करके चाहते हैं कि इकट्ठा पका लें। तो अब हम यहाँ पर तोड़ाई कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि सामान्यतया लग्गी की सहायता से हम तोड़ाई करते थे, तो ऐसे में जो हमारे आम होते थे ऊपर से गिरते थे नीचे ज़मीन पर और वह टूट जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे आम हैं इनको चोट लग जाती थी जो पकाने के पश्चात जो है सड़ जाते थे। तो अब यहाँ पर इसमें चोट नहीं लगती है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो हम तोड़े हैं उसे जब हम गिरा रहे हैं तो इकट्ठा जो है हमारा 1-2 किलो जो भी आम इसमें इकट्ठा है वो आ जा रहा है। इस तरीके से आम या फल तोड़ने वाला यंत्र हमारा तैयार हो गया है, उसको आप लोगों के सामने प्रयोग करके भी दिखा दिए हैं। हाँ, अगर आप पहली बार प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप के पास अगर तोड़ने का ढंग नहीं है, आप एकदम नए हैं, शहर में रहने वाले हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि 10 में से 2 आम गिर जाएंगे, क्योंकि तोड़ने का अगर आइडिया नहीं है तो गिर सकते हैं। फिलहाल आप जब 2-4, 10, 20, 50 आम तोड़ेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा और सारे आम फिर आपके इस झोले में ही चले जाएंगे जो आप जुगाड़ बना रखे हैं। तो ये जुगाड़ आप लोगों को कैसा लगा और आप लोग इसे घर पे बनाकर, अब ये रहा जुगाड़ आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसे आप लोग कम पैसे में तैयार कर सकते हैं, लगभग 100, 150 या 200 रुपए में, ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज का क्या कैसे चुनाव कर रहे हैं। बाकी ये जो पाइप है, बंद सॉकेट है पीवीसी का, ये आप लोगों को जो पाइप वाली दुकानें हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा और आप वहाँ से खरीद करके ला करके इसे बना सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। हाँ, ऐसे अगर जुगाड़ आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।